यहाँ पर शटर जो है ओपन किया गया जो कॉमन लॉन अंदर गया है, सामान निकला है, क्या जानकारी मिलती है क्या यहाँ पर कुछ लोग जो है वो अभी भी फिलहाल अंदर, अगर हम आपको दिखा दें शटर के जो छोटा सा अभी भी पहलू जो है यहाँ से देखा जा सकता है, वहाँ से अगर हम आपको दिखाएं तो अभी भी पुलिस के लोग जो है वो अंदर मौजूद हैं। कुछ लोग ज़रूर बाहर आए हैं, उनके हाथ में अगर देखा जाए तो पॉलीथीन है, अभी उसको भी कुछ नहीं कह सकता कि क्या इसमें कुछ है या अभी फ़िलहाल देखा जाए तो। ये मैं फिर से आपको बता दूँ, ये जानीपुर की हमने पहले आपको एक पहले लाइव में हमने आपको बताया था कि ये जानीपुर में हमने आपको ये तस्वीरें जानीपुर की बता रहे थे, यहाँ जानीपुर चौक में जेके बैंक है उसका जो प्रीमिसेस है वहाँ पर ये इस तरह की बात सामने आई थी कि यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा बाहर बात की गई थी कि अंदर विस्फोटक रखने की बात जो है वो की गई थी, जिसके बाद से एक व्यक्ति ने उनकी जब आवाज़ सुनी ये बात सुनी तो उसके बाद तुरंत उसने जो है वो बैंक मैनेजर को इसकी इतला दी कि इस तरह की बात जो है वो बाहर एक व्यक्ति कर रहे हैं, दो लोग मिलकर कर रहे हैं। और जब बैंक मैनेजर के पास इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत जो है इसकी बात पुलिस को पहुँचाई, पुलिस तक ये बात पहुँचाई और तब से ही यहाँ पर तलाश अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। अभी फ़िलहाल जो है जो पहले हमने आपको सूचना दी थी उसमें काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे टीमें थी जम्मू कश्मीर पुलिस की, और अलग अलग देखा जाए जो तलाशी अभियान भी चलाते हैं अलग टीम रहती है वो वहाँ पर अंदर मौजूद थे। और उनके बाद अभी थोड़ी देर पहले ये जितने सिविल ड्रेस में भी आपको दिखाई दे रहे होंगे जिन्होंने सिविल ड्रेस पहनी हुई है ये भी अंदर मौजूद थे, ये भी शायद इनकी अलग टीम है या ये भी कह पाना मुश्किल हो। और फिलहाल और ये पूरा अभी भी जो है तलाशी अभियान चल रहा है, कुछ भी कह पाना अभी जल्दबाजी होगा क्योंकि जो विस्फोटक होने की जो खबर मिली थी उसको लेकर कुछ भी कहवाना फिलहाल अभी जल्दबाजी होगा। अंदर पूरी अभी ये इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमें थोड़ा सा पीछे, क्योंकि यहाँ पर डॉग स्क्वाड जो है वो बुलाया जा रहा है, डॉग की मदद से जो है ये तलाशी अभियान चलाया जाएगा क्योंकि इन्होंने अपने तरीके से तो पूरा तलाशी अभियान चलाया है जो इनके पास। अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो है जो टीम है उसके बाद अभी डॉग स्क्वाड की जो टीम रहेगी वो यहाँ पर बुलाई गई है। अब उस जो डॉग रहता है हमेशा ऐसी चीज़ों में हमेशा जो मदद जो है वो डॉग्स की भी ली जाती है, अब डॉग स्क्वाड जो है वो बुलाया जा रहा है यहाँ पर, अब जल्द उनकी मदद से जो है जो उनकी टीम आएगी और जो डॉग है उसकी मदद से यहाँ पर अभी तलाशी अभियान चलाया जाएगा क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से तो पूरा तलाशी अभियान चला दिया है, जो अक्सर इनकी तरफ से जो मशीनें रहती हैं उसके ज़रिए जो है वो यहाँ देख सकते हैं आप, सीआरटी की टीम जो है वो यहाँ बाहर जो है वो मौजूद है और अभी फ़िलहाल यहाँ पर पूरे तरीके से तलाशी अभियान जो है वो ये हम आप बाहर की ये सीआरटी की टीम आप देख सकते हैं, सीआरटी की टीम भी यहाँ पर पहुँच चुकी है और इनकी मदद से भी अभी पूरा तलाशी अभियान चलाया जाएगा। और फ़िलहाल अभी भी कुछ भी नहीं कहा जा रहा है और ये हम पूरा आपको प्रीमिसेस भी यहाँ से दिखा देते हैं, उसके बाद ही पूरा ये जो स्टोर था इसे भी खाली कराया गया, ऊपर जेके बैंक का जो ब्रांच है उसे भी खाली कराया गया, उसके बाद से ही पुलिस की टीम लगातार जो है अंदर अपना सर्च ऑपरेशन चला रही है। और अभी तक अगर देखा जाए तो इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है कि कुछ भी इस तरह का पदार्थ या विस्फोटक पदार्थ जो है वो अंदर मिला हो इस तरह की अभी। ठीक चल रहा और जैसे ही अभी देखते हैं कि क्या जानकारी, अब देख सकते हैं आप डॉग स्क्वाड जो है वो यहाँ पर पहुँच चुका है और उनको अभी डॉग्स को अंदर ले जाने की जो ये देखिए अभी प्रक्रिया, अब इसकी डॉग्स की मदद, क्योंकि ये इसी तरीके से ट्रेन किए जाते हैं, कोई इस तरह के पदार्थ रहते हैं या विस्फोटक पदार्थ जो रहते हैं उनको, इन डॉग्स को उसी तरीके से ट्रेन किया जाता है, उनको ढूंढ पाने में ये हमेशा जो है कामयाब रहते हैं। और अभी फ़िलहाल यहाँ देखा जाए तो हलचल भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, अब इस डॉग को अंदर ले जाएगा इस प्रीमिसेस के अंदर, चाहे वो जेके बैंक की ब्रांच की बात की जाए वहाँ पर या फिर यहाँ जो
इसी डे का जो डिपार्टमेंटल स्टोर है यहाँ पर ले जाया जाएगा। यहाँ पर डॉग की मदद से जो है ढूंढने की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि कोई भी पहलू जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं या जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं या उनके अधिकारी हैं वो नहीं छोड़ना चाहते कि कोई भी अगर इस तरह की अप्रिय वस्तु अंदर पड़ी हुई है, अगर कोई भी ऐसी जो पदार्थ है, जो विस्फोटक पदार्थ जो अंदर पड़ा हुआ है, ये नहीं चाहते कि उसके ज़रिए कहीं ना कहीं कुछ जो है अनहोनी जो घटना है वो यहाँ पर घटित हो जाए। उसके उसको लेकर कोई भी ये पहलू जो है वो छोड़ना नहीं चाहते, हर एक एंगल से जो है छानबीन करना चाहते हैं। इनकी टीमें भी अंदर छानबीन कर रही है, जो इनके पास इक्विपमेंट या इनके पास दस्तावेज जो रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज रहते हैं जिसके ज़रिए ये जो विस्फोटक पदार्थ हैं उनको ढूंढ पाने में इनको मदद मिलती है, वो भी इनके हाथों में। और साथ ही अब डॉग्स जो डॉग हैं, जो इनके ट्रेन डॉग्स रहते हैं, उनकी अब मदद जो है वो ली जा रही है, उसके ज़रिए भी अब ढूंढने की कोशिश जो है विस्फोटक जो पदार्थ है उनको की जाएगी। फिलहाल अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर ये शटर जो है ये खोला गया है, और अभी फ़िलहाल ये देखिए यहाँ पर जो ये ब्रांच के अंदर जो है ये जाया ले जाया जा रहा है उस डॉग को। ये अभी फ़िलहाल बंद कर दिया गया था क्योंकि जो टीम पुलिस की थी उनके द्वारा तो जो तलाशी अभियान थी वो उन्होंने कर लिया था, लेकिन अब जो है अब जो इनका डॉग की जो टीम है वो अभी फ़िलहाल अंदर चली गई है, और डॉग की मदद से अब जो है अगर इस तरह का कोई पदार्थ है, विस्फोटक पदार्थ है या कोई और ऐसी गठित जो वस्तु है अगर वो अंदर है तो उसे भी अब ढूंढा जाएगा। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो जो पुलिस के लोग थे उनको तो इस तरह की कोई भी अप्रिय जो वस्तु थी वो नहीं मिली है, लेकिन अभी डॉग स्क्वाड की मदद से पूरा ये जो तलाशी अभियान है वो किया जाएगा। फिलहाल दीजिए ज़्यादा दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह द स्टेट टाइम्स से, नमस्कार।